असलम यू टू फैमिली हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट आज का ट्यूटोरियल है हमारा बलून एंड टेडी बेयर केक ये हमने पूरा केक विप क्रीम में बनाया है और टेडी बेयर हमने फॉन्डेंट का बनाया है इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि टेडी बेयर को आपने कैसे बनाना है सो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो वीडियो के एंड में भी मैं उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी वीडियो के नीचे भी सो लेट्स गेट स्टार्टेड स्टॉल केक को बनाने के लिए हम ले रहे हैं तीन बेक हुए हुए केक्स जो कि के सिक्स इंचज़ के उनको बीच में से हमने स्लाइस करके रख लेना है इस केक को डबल बैरल केक भी कहते हैं जो कि बहुत हाइट वाले केक्स होते हैं उसके साथ ही मैंने ले लिए हैं छः कप व्हिप क्रीम के उसके अंदर कपल ऑफ़ ड्रॉप स्काई ब्लू कलर का मैंने ऐड कर लिया है याद रखें कि जब आप कलर ऐड करें तो वो जेल फूड कलर होना चाहिए नॉट लिक्विड फ़ूड कलर केक्स की लेयरिंग स्टार्ट करते हैं हमने फ़र्स्ट लेयर में पहले हमने लगा लेनी है वेब क्रीम आप देख रहे हैं कि फॉर ईज़ मैंने इसको क्रीम को अपने पाइपिंग बैग में डाल लिया ये सबसे आसान तरीका है अगर आप इवनली अपनी क्रीम को स्प्रेड करना चाहते हैं अपने लेयर में सो आई वुड सजेस्ट दिस मेथड इस तरह से करके हमने पांच लेयर केक्स की स्टैक कर लेनी है मेरे पास छह लेयर्स थी जस्ट इन केस इफ आई नीडेड देम बट आई ओनली नीडेड फाइव लेयर्स सो आई जस्ट यूज्ड फाइव ऑफ देम यहाँ मैं मेक श्योर कर रही हूँ कि मेरा केक टॉल हो कम से कम छः इंच का हो या उससे ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि मैंने जो बेयर बनाया है उसकी मेजरमेंट छः इंच है तकरीबन हाइट तो उससे ज़्यादा या उतनी हाइट होनी चाहिए मेरे केक की कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें आपके लाइक करने से ये फ़ायदा होगा कि मेरी वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकेगी वो ज़्यादा लोग देख सकेंगे मेरी वीडियो और इससे सीख सकेंगे सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर पीपल हु है ऑलरेडी सब्सक्राइब टू माई चैनल अब मैं यहाँ पर भी सेम टेक्निक यूज कर रही हूँ मैं पाइपिंग बैग के थ्रू अपनी क्रीम को अप्लाई करूंगी क्योंकि दिस इज द इजिएस्ट वे ऑन दिस काइंड ऑफ केक यूजली आप देखेंगे कि मैं स्पैचुला से अपनी क्रीम को अप्लाई करती हूँ लेकिन उससे बहुत ज्यादा केक पुश होता है ये चूंकि थोड़ा सा लाइट छोटे साइज़ का केक है इसलिए इसके लिए इजी है कि हम आ, इसको पाइपिंग बैग के थ्रू इस पर क्रीम अप्लाई करें दिस इज़ द बेस्ट वे टू अप्लाई क्रीम ऑन दिस काइंड ऑफ केक सो आपने भी यही स्टेप्स फॉलो करने और इसी तरह से इसको क्रीम लगा के उसके बाद आपने स्क्रेपर की मदद से साइड्स को स्मूद करना है ये केक अगर आप सीख जाएंगे तो आप काफ़ी मल्टीपल केक्स बना सकते हैं पहली बात तो ये कि आप इसको पिंक में चेंज करके इसको गर्ली केक भी बना सकते हैं टेडी बियर के कलर्स चेंज कर सकते हैं उसकी ड्रेसिंग चेंज कर सकते हैं उसको गर्ली भी बना सकते हैं प्लस ये फर्स्ट बर्थडे केक या फिर बेबी शावर के केक के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है सो जस्ट फोकस ऑन लर्निंग द टेक्निक्स और आप इनशाला इससे डिफरेंट किस्म के केक्स बना सकते हैं साइड से क्रीम को उतारते जाएं स्क्रेप करते जाएं और जहां पर आपको गैप्स नजर आ रही हैं इन बिटवीन वहां पर आपने अपने स्पैचुला से एक्स्ट्रा क्रीम लेके अप्लाई कर लेनी है फिर से दोबारा से स्क्रेपर को यूज़ करना है अपने केक के ऊपर ताकि एज़ यू कैन गेट इट एज स्मूथ एज पॉसिबल परफेक्शन के पीछे ना जाएँ अदरवाइज दिस कैन टेक सुपर लॉन्ग टाइम सो जब आप सैटिस्फाइड हों इसकी फिनिश से तो बस देन जस्ट स्टॉप अदरवाइज ट्रस्ट मी ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका ले जाएगा अगर आप कोशिश करेंगे कि एक एक चीज़ इसकी परफेक्ट हो सो so, ओवरऑल अगर आपको नीट एंड क्लीन साफ़ लग रहा है तो देन यू कैन मूव टू योर नेक्स्ट स्टेप चूँकि केक हम वेप क्रीम से बना रहे हैं आपने इसको रूम टेम्परेचर पर नहीं छोड़ना जब आपने इसको सर्व करना है तब आपने इसे फ्रिज से निकाल के सर्व कर लेना है और अगर पार्टी में आपको ज़रूरत है इसको बाहर निकाल के रखने की तो आई वुड सजेस्ट कि दो घंटे से ज़्यादा आप इसको बाहर ना रखें अदरवाइज इसकी आइसिंग मेल्ट होने लग जाएगी और स्पेशली अगर आप पाकिस्तान में है गर्मी के मौसम के टाइम आपने बना के इसको रखा है सो तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल वेप क्रीम इज़ वेरी टेम्परामेंटल अगर आपको इस तरह का इशू है आप ज़्यादा लंबे टाइम के लिए केक को रखना चाहते हैं तो फिर आई सजेस्ट कि आप बटर क्रीम का इस्तेमाल करें केक रेडी हो जाए तो थोड़ी देर के लिए उसको फ्रिज में रख दें चिल होने के लिए और हम यहाँ पर डबल श्योर कर रहे हैं मेक श्योर कर रहे हैं कि हमारा टेडी बियर सिक्स इंच के नीचे नीचे ही हो एंड दैट्स राइट केक भी हमारा सही हाइट का बन गया है अब हमने टेडी बेयर को अपने केक के ऊपर प्लेस कर देना है बैलून्स मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किए हैं आप डिफरेंट कलर्स में भी इनको ऑर्डर कर सकते हैं और ये एक बात आपको बताती चलूँ कि ये एडेबल नहीं है सो इसको जब आप यूज़ करें तो उसके बाद आपने इसको रिमूव करना है केक को कट करने से पहले अगर आप किसी क्लाइंट को बनाकर ही केक दे रहे हैं तो उनको ज़रूर आपने पॉइंट आउट करना है कि ये बेलूस एडेबल नहीं है इस तरह की चीज़ें बहुत सीरियस होती हैं जब आप स्पेशली किसी को पैसे देकर किसी क्लाइंट को दे रहे हो चीज़ें तो यू हैव टू मैंशन इफ़ समथिंग इज़ नॉट एडेबल बेयर की लेग्स को मैंने थोड़ा बेंड कर दिया ताकि हम इसको सेटिंग पोजीशन में रखें उसके अलावा जब मैं हेड इसका लगा रही थी सर तो उस टाइम मैं आपको दिखाना भूल गई कि इसके नीचे एक टूथपिक जानी चाहिए थी बॉडी uh, से पे ताकि वो हेड को सही तरह से सपोर्ट करती आप आगे जाके देखेंगे कि मैं आपको आर्म्स पे टूथपिक लगा के दिखाऊंगी सो हेड एंड आर्म्स शुड हैव द टूथपिक्स और अगेन अगर आप ये किसी को uh, सेल करें ये केक तो आपने उनको इस चीज़ के बारे में बताना है क्योंकि इट कुड बी अ ग्रेट सेफ़्टी हैज़र्ड अगर कोई बच्चा खुदा ना खास्ता इसको मुंह में ले ले ड्रेक सो बी केयरफुल ऑफ दैट लास्ट स्टेप में हमने अपने बलूनस ऊपर सेट कर लेने हैं एक साइड पे केक के और ये आपकी मर्जी है कि आप किस आ, कौन से कलर्स और किस तरह से इसको लगाना चाहते हैं देर इज़ नो राइट और रॉन्ग वे आइडियली मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप पतली सी फॉन्डेंट की स्ट्रिप टेडी बेयर के आर्म से लेके बलून्स तक ले जाएंगे तो वो ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा इस तरह लगेगा कि आपके बेयर ने बलून्स को पकड़ा हुआ है मैं भी सेम स्टेप करना चाहती थी बट अनफॉर्चुनेटली मेरा जो फ़ोन था मुझे आ, बार बार रुक रहा था इसकी स्टोरेज का प्रॉब्लम हो रहा था सो आई जस्ट क्विकली फिनिश द केक एंड शोड यू द फाइनल रिज़ल्ट आई एम होपिंग कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस बात को समझें कि ये एक बिगिनर ट्यूटोरियल है और अगर आप केक बिज़नेस करना चाहते हैं तो इस तरह के केक्स में आपको ज़रूर आना पड़ेगा अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं टेडीबेयर बनाने में तो प्लीज़ आई वुड इनक्रेज यू कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर ये काम करें जितना आप अपने आप को पुश करेंगे उतने आपके स्किल्स अच्छे होंगे सो so, टेडी बियर इज़ वेरी ईजी टू मेक प्लीज़ वॉच माई प्रीवियस वीडियो जिस वीडियो में मैंने टेडी बियर बनाया है उसको देखें स्टेप बाई स्टेप अगर आप उसको करेंगे जैसे मैंने की है आप यकीन करें आप यही सोचेंगे कि इट्स वेरी ईजी शायद आपको देखने में मुश्किल लगे बट इट्स नॉट हार्ड एट ऑल उसके अलावा सेकेंड टेक्निक आपको इस आ, केक को बनाने के लिए ये करनी है कि जितना आप स्मूथ कर सकें केक को उतना पॉसिबल है थर्ड आपने सिंपली बेलूनज लगा लेने सो so, आप देखें बड़ा प्यारा सा क्यूट सा हमारा केक तैयार है और इट वॉज़ नॉट रियली डिफ़िकल्ट उम्मीद करती हूँ आज का केक आपको पसंद आया है मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अंटिल नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफ़िज